हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल रैम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हल्क स्मैश के वीडियोस के बारे में। हल्क स्मैश के वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। आप देख सकते हो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर इस टाइप के वीडियोज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसको व्यूज मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यूवर्स के साथ में इसे शेयर करूँ कि इसे कैसे बनाया जाए और कैसे शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, पूरा देखना और दूसरों के साथ शेयर भी कर देना जिन्हें हल्क स्मैश के वीडियोज़ बनाना हो। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक के पेज पर देख रहे होगे तो उस पेज को लाइक कर देना, फॉलो कर देना और उस वीडियो को वहां पर भी लाइक कर सकते हो, वहां पर कमेंट करके भी कुछ पूछ सकते हो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो। फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अगर आपको इस टाइप की वीडियोस बनाना हो तो आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो रील का ऑप्शन होता है वहां पर जाके आप इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हल्क स्मैश को यूज़ करने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए। मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आ चुका हूँ, टेक्निकल रैम पे, आप देख सकते हैं। और इसके लिए अब मैं जाऊँगा प्लस साइन पे, ऊपर में देखेगा टॉप राइट पे दिया है प्लस साइन, वहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो रील का ऑप्शन आता है, रील पर क्लिक करिएगा। रील पर क्लिक करने के बाद आपको बॉटम में जहाँ पर कैमरे को टैप करने का एक बटन दिया है उसके जस्ट ऊपर 3 स्टार्स हैं, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो वाइट वाली विंडो टॉप, जो पॉपअप विंडो ओपन हुई है, अगर देखिए क्योंकि यहाँ पर मुझे एक हल्क मॉर्फ 2 करके जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लिक करके जा सकता हूँ, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर वो दिखाई दे रही है। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसके लिए वाइट विंडो पे टॉप लेफ्ट में देखिएगा एक सर्च करके ऑप्शन है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद वहाँ पर जाकर सर्च करिए हल्क स्मैश, ओके, और उसे सर्च कर दीजिए। सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं, देखिए वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फ़िल्टर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और उसमें जो थर्ड वाला है हल्क मॉर्फ 2 उसको ही सेलेक्ट करिए क्योंकि बाकी के जो दो हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। तो जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, सेलेक्ट करने के बाद ये छोटी विंडो ओपन हो जाती है। इस छोटी विंडो जो ओपन हुई है इस विंडो को हम टैप करेंगे तो ये विंडो बड़ी हो जाएगी, ये देखिए। और अब यहाँ पर हम जब टैप करते हैं कैमरे वाले बटन पर तो वो जो एक्शन है, जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, अभी केवल एक जस्ट एक फेस दिख रहा है लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो हम इस पर टैप के बाद यहाँ पर देखिए एक सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग म्यूटेड करके आ रहा है, मैं इसे कर दूंगा कि ओके, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँगा कैमरे पर और जैसे ही क्लिक करूँगा तो वैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। देखिए तो आपने देख लिया कि मैंने इससे रिप्ले, अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में टॉप लेफ्ट साइड में एक डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपका जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए और साथ ही साथ आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको इमीडिएटली शेयर इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, जो आपका अकाउंट है वहाँ पर वो शेयर भी हो जाएगा अगर आप शेयर करते हैं तो। बाकी नीचे में आप उसको दूसरे अकाउंट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरीका है कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के रील को यूज़ करके आप हल्क स्मैश का जो वीडियोस बनाया जा रहा है वो आप आसानी से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना यार, लाइक दे देने से थोड़ी खुशी महसूस होगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और डिमांड है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को एटलीस्ट आप स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए कि आपको कैसे ये बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।